रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हे व्यूअर्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी और मैं किस तरह बनाती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। जी, आधा कप जो है हमने मैदा ले लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 कप हम इसमें पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे। 1/4 कप से भी 1 टीस्पून कम जो है हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। चाहे तो आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं और कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम हसबे ज़रूरत इसमें मिल्क ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा एक हमने एग ले लिया है और 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होगा, जो बेकिंग पाउडर होगा और जो मैदा होगा, ये दोनों चीज़ें, इनको अच्छी तरह से हमने छान लेना है। छानना बेहद ज़रूरी है। इस तरह से हम छाननी की मदद से छान लेंगे। छानना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप नहीं छानेंगे तो केक कभी भी आपका सही नहीं बनेगा। और दूसरा ये कि बीट जब आप करेंगे तो बीट सही करना होता है। अगर आप सही से बीट नहीं करेंगे, यकजा नहीं होगा हमारा मेज़ा, तो केक कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, एक और भी मेरे पास सीक्रेट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तरीका इख्तियार करने से केक कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम जो है मैदा और बेकिंग पाउडर जो है छान लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जी, मैदा मैंने ऐड कर दिया है और अब बेकिंग पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको छान लेंगे। छानना बेहद ज़रूरी है, मैं बार बार रिमेंबर कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी ज़रात वगैरह होते हैं वो इससे में निकल जाते हैं और हमारा जो है केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये देखें, ये बाज़ार का मैदा था, मैंने इसको छान लिया। इसमें एक ज़ीरा सा जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये देखें ना, मसाला जात जब हम बाहर से चीज़ें लेकर आते हैं तो अंदर कोई ना कोई तो मिक्स होती है ना चीज़। ये देखें, एक ज़ीरा है जो कि मैंने छान के सही से निकाल लिया है। तो छानना जो है वो बेहद ज़रूरी है, मैं बार बार रिमेंबर कर रही हूँ, छानना बेहद ज़रूरी है। जी, अच्छी तरह से छान लिया है और अब मैंने इसमें चम्मच क्यों रखा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब हम बीट करेंगे ना तो हमने ये 3 चीज़ें पहले बीट करनी है, शुगर और देसी घी और एग। ये 3 चीज़ें हमने जो है पहले बीट करनी है। उसके बाद जब हम मैदा बीट करने लगेंगे तो हमने इसमें इस तरह से डालना है, जैसे 2 टीस्पून ऐड कर दिया और फिर हमने बीट कर लिया, फिर 2 टीस्पून ऐड कर लिया और फिर बीट कर लिया। इस तरह क्यों करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह हमने इसलिए करना है कि केक अब कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा। जो लोग मैदा एकदम से, जैसे मैंने जितना भी दिया ना, आधा कप मैदा एकदम डाल के और बीट कर लेते हैं, उन लोगों का केक जल्दी ख़राब होता है और उन लोगों का ही केक ख़राब होता है और वो कहते हैं केक ख़राब क्यों होता है। तो यही वजह होती है। इन चीज़ों को आपने जो है जहन में रखना होता है। आपने 2 टीस्पून जो है ऐड करते जाना है और बीट करते जाना है ताकि अच्छी तरह से फ्लफ़ी जो है वो बन जाए, अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। ठीक है, तो ये आप इस, यही हमारा एक सीक्रेट था इस वीडियो का, तो आपने ये जहन में रखना है। ठीक है, तो पहले जो हमने 3 चीज़ें बीट करनी है वो हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। जी, हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हमने शुगर ऐड करनी है, पिसी हुई शुगर लेनी है आपने। अच्छा, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना हो कि दूसरी वाली शुगर डाल लें, बिल्कुल भी आपका केक सही नहीं बनेगा। आपने पिसी हुई ही ऐड करनी है। ठीक है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो इसके में आप जो है वो मक्खन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसमें एग भी ऐड कर देंगे। इन तीनों इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छी तरह से पहले बीट करेंगे, फिर हम मैदा जो है ऐड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बीट करते हैं।
जी अच्छी तरह से बीट कर लिया है हमने। और अब हम इसमें मैदा ऐड करना शुरू करेंगे। मैदा मैंने आपको जिस जो तरीकाकार बताया है उसी तरह से हमने बीट करना है। हम 2 स्पून जो है वो पहले ले लेंगे और फिर इसी तरह से 2 2 टीस्पून हम लेते रहेंगे और बीट करते रहेंगे। तो बीट करते हैं। जी बीट कर लिया है हमने। अब हम इसको और ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर जो है 2 टीस्पून। इसी तरह से हमने जो है ये अमल जारी रखना है। इससे केक बहुत ही आपका ज़बरदस्त बनेगा, कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, 2 टीस्पून डाल लें या 3 टीस्पून डाल लें और उसको बीट कर लें बस। इसी तरह से 2-3 हम मरहले करेंगे और केक बीट हो जाएगा। जी मैंने बीट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह का हमें जो है टेक्सचर चाहिए था, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। इसमें सिर्फ जो है 1 टीस्पून ही मिल्क ऐड हुआ है, वरना जो है ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें इसी तरह का चाहिए था तो हमने बाकी मिल्क जो है ऐड नहीं किया। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए था, चूँकि हमारा रेडी हो चुका है। सिर्फ 1 टीस्पून ही हमने इसमें मिल्क ऐड किया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा आपका टेक्सचर जो है वो गाढ़ा हो रहा है तो फिर आप जो है मिल्क ऐड कर सकते हैं। देखिए मेरा टेक्सचर जो है वो ऑलरेडी बिल्कुल वैसे ही सही है, तो मैंने सिर्फ इसमें 1 टीस्पून ही ऐड किया है। तो अब हम चलते हैं बेक करने की तरफ। हमें किस तरह बेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जी इस तरह का हमने पैन लेना है और उसको मैंने 1/2 टीस्पून जो है इस पर देसी घी लगा दिया है और इसको अच्छी तरह से हर तरफ से हमने ग्रीस कर लेना है। जी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा जो है बेकिंग पाउडर और मैदे का जो है बेकिंग पाउडर और मैदा थोड़ा सा जो है इस पर डाल देंगे। इससे ये होता है कि केक आपका नीचे नहीं लगता। ठीक है, ये पॉइंट भी मिस नहीं होने दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने केक बनाना है, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी जो है सीक्रेट हैं जिसकी वजह से केक हम जो है लोगों का ख़राब हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने थोड़ा सा इस पे ये डाल दिया है और अब हम इस पर टेक्सचर डालेंगे जो हमने बनाया था। देखें टेक्सचर डालना भी इसी तरह से है जैसे मैं डाल रही हूँ, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए और एक ही यकजा होना चाहिए। जी तमाम आप देख सकते हैं तमाम जगह से जो है ये इक्वल है और अब हम इसको बेक करेंगे। जी अब हम इसको बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। जी बेक करने के लिए मैंने अवन में रख दिया है और हम इसको 100 और 150 के दरमियान में जो है डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे, यानी 100 और 150 के दरमियान में मैंने इसको जो है बेक करने के लिए रख दिया है। 10 से 15 मिनट जो है इसको बेक होने में लगेंगे और
10 से 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं जी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, केक जो है हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। जी केक हमारा जो है तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जो है केक तैयार हुआ है। इसी तरह से सादा सिंपल केक आप घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका सादा केक कैसा बना। इसको हम थोड़ी देर जो है ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं जो है निकाल लूँगी। ठंडा इसलिए होने देना है क्योंकि अभी बहुत जो है वो गर्म है, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको निकालती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आप आराम से देख सकते हैं और उसको ट्राई भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ केक। बहुत ही माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा जो है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका केक जो है कैसा बना। ये देखें कितना ज़बरदस्त केक जो है वो तैयार हुआ है। जी आप देख सकते हैं कितना जो है ये सॉफ्ट बना है, कितना ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा केक तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल और सादा केक घर में बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो आप इसको बना सकते हैं, अफ्तार में बनाएं और ईद पर भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके लिए आज रेसिपी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।